उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको एक उत्तल दर्पण दिया गया है और उस उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ज्ञात करनी है और वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है 32 सेंटीमीटर। तो हल करेंगे अपन इसको बढ़िया से। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है वो देखिए, दिया है वक्रता त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। तो R का जो मान है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकस दूरी याद करनी है अपने को, यानी कि फोकस दूरी f इक्वल हमें ज्ञात करना है। चलिए अब फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला देखिएगा कि हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी आधी होती है। इसका मतलब क्या है कि फोकस दूरी यानी कि एफ इज इक्वल हो जाएगा आर बटा दो। एफ का जो मान है वही तो ज्ञात करना है हमें, आर दिया है आपको 32 और बटे में दो, तो दो से काटोगे तो दो करना दो, दो छंगे 12, यानी एफ इज इक्वल कितना है आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो फोकस दूरी है वो कितनी आ गई आपकी 16 सेंटीमीटर। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अतः उत्तल दर्पण की अभीष्ट फोकस दूरी, अभीष्ट मतलब जो आपने पूछी थी, अभीष्ट फोकस दूरी बराबरी पे आ जाएगी आपकी 16 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए सवाल तो हर कोई कर देगा है ना, पर तरीका देख लीजिएगा। यदि आपको वास्तव में नंबर चाहिए अच्छे तो ये तरीके से, इस तरीके से करना जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, है ना, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहां से अपन बढ़िया से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।